10 और बेन 10 की सीरीज जब से शुरू हुई है तब से बेबी बेन 10 का एक ऐसा एलियन है जिसने बेन 10 फैंस के सामने एक ऐसा ऑप्शन लाके रख दिया था कि क्या कोई इससे भी ज़्यादा पावरफुल एलियन हो सकता था बेन 10 में, जब हम बेन 10 क्लासिक देखते थे। पर उसके बाद हमें बेन 10 के बहुत सारे बेबी से भी ज़्यादा ताकतवर एलियन देखने को मिले। लेकिन आज हम बात करेंगे बेबी के डिफरेंट फॉर्म्स की जो हमें बेन 10 के अलग अलग सीरीज में अलग अलग तरीके से दिखाए गए हैं। एक तरह से आप एवोल्यूशन कह लो या फिर बेन 10 में दिखाए गए वेबिक के ऑल फॉर्म्स। तो आज की वीडियो डेडिकेटेड है वेबिक पर, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। और जो वेबिक के फैन हैं उनके लिए लास्ट में एक छोटा सा सवाल भी है, तो वीडियो में बने रहो। अभी वेबिक यहाँ किस लिए आ गया? वेबिक बेन 10 का सबसे फेमस एलियन। और बात अगर वेबिक के एवोल्यूशन की हो तो हमारी नज़र घूमती है पहली बार बेन 10 क्लासिक में, जहां पर वेबिक को पहली बार दिखाया गया था बेन 10 की मूवी बेन 10 सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में, जहां पर वेबिक ने बुरी तरह से विलगैक्स को हराया था अपने पहले ही अपीयरेंस में। और यहां पर जो वेबिक का लुक था वो बिल्कुल ही क्लासिक था, और बेन 10 के ज़्यादातर फैंस इसी वेबिक को पसंद करते हैं। और इसके बाद जो वेबिक हमें देखने को मिला वो था बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन का, और यहाँ पर जो वेबिक था वो हमें बिल्कुल नए एनिमेशन में नए लुक में दिखाया गया था। और कहा ये भी जाता था कि वेबिक का जो ये फॉर्म था वो अल्ट्रा मैन से इंस्पायर था। और इसके बाद जो वेबिक है वो हमें बेन 10 एलियन फोर्स का देखने को मिलता है, जिसका लुक सिमिलर था बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन वाले वेबिक के मुकाबले। पर यहाँ पर थोड़ी सी अजीब बात यह है कि बेन 10 एलियन फोर्स वाला वेबिक हमें पहले दिखाया गया था बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन वाले वेबिक के मुकाबले, क्योंकि दोनों के टाइमिंग में बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जब पहली बार बेन 10 एलियन फोर्स टेलीकास्ट किया गया था और जब बेन 10 एलियन फोर्स का टेलीकास्ट बंद किया गया तो उसके बाद ही बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियन की मूवी आई थी, और मे बी शायद बेन 10 अल्टीमेट एलियन के बाद ये मूवी आई थी। और फिर इसके बाद जो वेबिक है जो हमें अगला वेबिक देखने को मिलता है वो है बेन 10 अल्टीमेट एलियन में। और ये वेबिक इसलिए अलग है क्योंकि ये वेबिक का अल्टीमेट फॉर्म है जो हमें बेन 10 अल्टीमेट एलियन में देखने को मिला था, और ये वेबिक बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर कंपेयर करें हम नॉर्मल वेबिक से। तो ये वेबिक बेन 10 का सबसे पावरफुल वेबिक है। और फिर आता है ओमनीवर्स, और यहाँ पर हमें वेबिक के बहुत सारे फॉर्म देखने को मिले थे, पर जो मेन फॉर्म था वो था ये, और ये वेबिक का एक और डिफरेंट फॉर्म था जो हमें बेन 10 ओमनीवर्स में देखने को मिला था। और बेन 10 ओमनीवर्स में ही बेन 10 ओमनीवर्स के किसी और डायमेंशन में एक और वेबिक हमें देखने को मिला था जो किसी और नाम से जाना जाता है, और ये वेबिक मैड वेबिक के नाम से जाना जाता है, जो कि मैड बेन के डायमेंशन में हमें देखने को मिला था। वेबैट्स भी कहा जाता है, जिनका लुक वेबिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और यहाँ पर वेबिक और वेबैट्स की लड़ाई भी हुई थी। और ओमनीवर्स इतनी बड़ी सीरीज थी कि यहाँ पर हमें वेबिक का फ्यूजन भी देखने को मिला था जो कि अबचक और वेबिक का था, जिसे विकचक नाम दिया गया था। और ये वेबिक का वन ऑफ द डेंजरस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर सोचो अबचक कितना खा सकता है तो सोचो उसके मुकाबले विकचक कितना ज़्यादा खा सकता है, और ये वेबिक का मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे डेंजरस फॉर्म था जो हमें बेन 10 ओमनीवर्स में दिखाया गया था। और इसके बाद के बाद वाला जो वेबिक था जो हमें फ्यूचर से देखने को मिलता है वो है बेन 10 1000 का वेबिक, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा वेबिक है अगर हम हाइट की बात करें तो। और इसका लुक बेन 10 क्लासिक वाले वेबिक से सिमिलर मिलता जुलता है, पर ये वेबिक बेन 10 क्लासिक वाले वेबिक से भी काफ़ी बड़ा है, जिसे अभी तक बेन 10 की सीरीज में एक ही बार हमें दिखाया गया है। और इसके बाद जो बेन 10 रिबूट के फैन हैं तो मैं उनको बता दूं कि बेन 10 रिबूट में भी हमें वेबिक देखने को मिला है, वो भी एक बार, और वो भी एक बार विलगैक्स से लड़ते हुए, और यहाँ पर वेबिक ने विलगैक्स को हरा दिया था। और अगर बात वेबिक और विलगैक्स की हो तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर होती है, और हमेशा
विलगैक्स हारता है। कहीं ना कहीं बेंटेन का जो वेबिग है उसने सबसे ज़्यादा बार विलगैक्स को हराया है, अगर हम बात विलगैक्स वर्सेस वेबिग की करें तो। इसके अलावा अगर मैं एक और वेबिग के बारे में बताऊँ आपको तो वो है ईविल वेबिग, या कहें तो ब्लू कलर का वेबिग, जिसे ब्लू कलर के नाम से जाना जाता है। और ये वेबिग और कोई नहीं था, ये था एजमथ, जो ओमनीट्रिक्स में आई हुई गड़बड़ी के कारण एजमथ एक इविल वेबिग में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जहाँ पर जो एजमथ था एज अ इविल वेबिग हमें देखने को मिला था। इसके अलावा ये वेबिग बेंटन फैंस के बीच इतना फेमस हुआ था कि इस वेबिग को बेंटन के गेम में भी दिखाया गया। तो ये था वेबिग का एवोल्यूशन, या कहें तो वेबिग के सभी फॉर्म्स जो हमें आज तक बेंटन में दिखाए गए हैं। तो अब आप मुझे कॉमेंट में ये बताना कि इन सब में से आपका फेवरेट वेबिग कौन सा है, जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपनी पावर्स का यूज़ करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर वेबिग के सच्चे वाले फ़ैन हो तो सब्सक्राइब करो, और नीचे दिख रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर वेबिग के ऐसी किसी नई वीडियो के साथ। और मैं सच में यहाँ रुक कर दिखाऊंगा। वेबिग की ओरिजिन जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखना, और वेबिग के बारे में कुछ नया जानने के लिए नीचे वाली।